अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और खैरियत से हैं? उम्मीद करूंगी मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपने तमाम देखने वाले भाई बहनों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम भाई बहनों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो मेरे भाई बहनों ने करनी है मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करने हैं। तो मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वाले भाई बहनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी तमाम मुश्किलें आसान करे। मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो मुझे एकदम से बहुत ही प्यारा मौसम बनाया है, प्यारे प्यारे से बादल हैं और मेरे ख्याल में आज बारिश आएगी, क्योंकि बहुत ही प्यारे बादल बनाए हैं, एकदम गाँव जैसा माहौल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। अभी मैं जा रही हूँ आसिफ की दवाई लेने, जुमेरात जाती हूँ ना दवाई लेने, इसकी तबीयत सही हो नहीं रही। दवाई खाता है तो तबीयत सही होती है, नहीं तो फिर सांस कम थोड़ा हो जाता है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आराम को कहाँ छोड़ के जा रहे हो? आराम को आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। और आकिफ? आकिफ उसको झूला देगा, इसको बिठा के जाएगी। इसने क्या है बोला कि मेरे लिए तीन चीजें लेके आना। क्या लेके आना? जूस, चॉकलेट, जेल। मुझे भी खिलाओगे आकिफ? नहीं नहीं। चलो ठीक है, जाओ। और आकिफ यहाँ बैठ के आराम को जो है ना झूला दे रहा है। आराम से झूला देना, उठ नहीं जाए। टूथब्रश कर लिया? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मेरे प्यारे भाई भाई आप लोगों को मेरी तरफ से सलाम। जैसे कि ये गर्म पानी किया हुआ है, गला जो है ना बिल्कुल ही पक चुका है, इससे गरारे कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा गले में जो है ना दर्द वगैरह उठ रहा है, तो थोड़े गरारे कर रहा हूँ ये नमक डाल के, जैसे थोड़ा सुकून मिले। तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो बुखार बहुत तेज़ चढ़ा हुआ है, दवाइयाँ खा रहा हूँ। अभी आप ही किचन में बोले ना आ गई हूँ। तुम लोग ट्यूशन पढ़ के आ गए? आज इतनी देर क्यों? देर हो गई। आसिफ कहाँ पे? कुंडी ध्यान से लगाना। आसिफ पढ़ के आ गए? हाँ। अपना बैंक अंदर रख के आओ, बादल बने हुए, रात में बारिश आ गई तो बुकें भीग जाएंगी तुम्हारी। अबू करारे कर लिए? हाँ बेटा करारे कर लिए हैं। दवाई वगैरह खा ली? नहीं दवाई अभी नहीं खाई, दवाई दे दो, दवाई मैं खा लूँ। आरिफ दवाई ले आओ जाके। ले आओ बेटा। इस साइड पे खड़ी हुई है। पानी वहां पे रखा हुआ है, वो ले लो। चम्मच भी दो ना, कैलसी जो उसके अंदर पानी का पानी रखा हुआ है, वो खुद ले लेगा। चम्मच दे दो। दिल चाह रहा है दर्द की गोली खाऊं या नहीं? दिल चाह रहा है तो खा ले। कौन सी है दर्द की? ये वाली है ना जिससे मैं दर्द कर रही है ना, निलब्रोल। दर्द बहुत हो रहा है ना, ये कल खाई है तो रात को इसीलिए सुकून से सोया हूँ ना, तो भी खा ले। इतनी दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा रात को, जब खाई थी उसके बाद इसे में सुकून मिला, दिमाग को भी सुकून मिला, टांगों में भी दर्द हो रहा था, तो खा लो अभी। ये तीन गोलियां खा लूं फिर देखूंगा, रात में अगर ज्यादा दर्द होगा तो फिर ये खा लूंगा। ठीक, ये तीन गोलियां ये है और एक कैल्शियम। आसिफ ने अपनी दवाई खा ली? पता नहीं आसिफ तुमने दवाई खा ली बेटा? लेके तो आया है, खा भी लेना टाइम पे। तीन गोलियां? हां तीन मेडिसिन है। सेम है
सीने से फिर नींद में बैठे हो क्या अब्बू? बेटा तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए दिमाग में ना चकरा जाता है। अब ये कैसी मजे की होती है? हाँ मजे की होती है। डॉक्टर ने कहा जब ब्लड प्रेशर तबीयत डाउन हो रही हो ना तो ये कैल्सी पीजिए। आप मीठी पी की ना? मीठी है ना पीकी है, सही है। फिर तबीयत डाउन हो रही हो ना हाँ। कैल्सी पी लिया। आसिफ तुम अपनी दवाई ले आए हो? कल मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना हाँ डाउन था ना, जब चल नहीं पा रहा था ना, डॉक्टर ने दिखा के यहाँ गिर गया था तो अस्पताल गया था, तो डॉल से वापस आया ना तो चल नहीं पा रहा था, तो फिर डॉक्टर वसीम को दिखाने के बुखार भी कम नहीं हो रहा था जिससे मैं दर्द भी बहुत हो रहा था, तो ये कैल्सी दी। कैल्सी दी उसने, बोला कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर ना बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये जब भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो तो ये कैल्सी घोल के पी लिया। आसिफ तुम भी अपनी दवाई पियो ब्लड की। क्या नाश्ते से 15 मिनट पहले? शाम में नहीं है? शाम की नहीं है? नहीं लेके क्या ये तो दिखा दो। को भी है, सुबह को भी है, दो टाइम तो है। तो दो टाइम है, बोला है कि ये खाना खाने से 15 मिनट पहले। तो अभी खाना नहीं खाया? हां ये तो एकदम लाल कलर की है। एक चम्मच बोला है हम तो चाट रहे हैं। को भी दी है। मजे की होगी ना इसलिए बोतल छाट रहे। डब्बा ले, इसको भी खून की कमापेशी बोल दिया डॉक्टर ने, इसीलिए 3 महीने का कोर्स बोला है। मतलब पीए पीए कुर्सी नहीं करता तो बेटा इस पर गिर जाएगा। तो मुझे भी खून की कमापेशी बोलिया है डॉक्टर ने, और कहा है कि ताकत की दवाइयां खाता हूं तो ताकत रहती है, जैसे दवाइयां छोड़ता हूं फिर उसके बाद फिर तबीयत जाना कमजोरी हो जाती है। टांगों में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, इससे भी ज़्यादा जब से कोरोना के इंजेक्शन लगवाए हैं, कोरोना की वैक्सीन। बादल बने हुए, ठंड ठंडी हवा चल रही है, अभी हमने चाय वगैरह भी पी ली है। तो अभी चाहेंगे अपने तमाम देखने वाले भाई बहनों से हम इजाज़त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा टाइम हो तो वीडियो को शेयर कर देना। तो अभी दे मुझे इजाज़त, कल मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। दुआओं में रखना याद, अपना ठंडनों का ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।